हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में एमटीएस की आई नई वैकेंसी 2023 के बारे में, जो कि जो भी कैंडिडेट 10वीं पास कर चुके हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में भाग ले पाएंगे। इस वैकेंसी में भाग लेने के लिए आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी ले पाए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार गवर्नमेंट संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा इस नोटिस को जारी किया गया है, जो कि माध्यम भोजन योजना निदेशालय की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा। और आपके मन में डाउट हो सकता है कि सर आखिरकार हमें आवेदन कैसे करना होगा, इसके बारे में बताइए। तो देखिए ये वैकेंसी सारे डिस्ट्रिक्ट में जरूर आई हुई है, लेकिन यहाँ पे हर वैकेंसी का जो एजेंसी है वो अलग है। एजेंसी क्या होता है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी देता हूँ। उससे पहले समझिए कि आखिरकार ये वैकेंसी कौन से पोस्टों पर आई हुई है। तो देखिए जो वैकेंसी है एमटीएस के पोस्टों पर आई हुई है, एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ। ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में और जानकारी मेंशन किया गया, जो कि यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं 20/8/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आवेदन पत्र से संबंधित, फॉर्म फिलअप करने से संबंधित। साथ ही यहाँ पर देखिए मेंशन किया कि आखिरकार पद का क्या नाम है, एमटीएस कितना आपको सैलरी मिलेगा। तो सैलरी आपको 14,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, बैंक की गारंटी के तौर पर यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर आपको एक वर्ष में कितना राशि दिया जाएगा यहाँ पर उसका विवरण दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए ए फॉर्म है। ठीक है, ए फॉर्म आपको फिलअप करके जमा करना होगा। ये फॉर्म फिलअप करके कहाँ जमा करना होगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि ये जो वैकेंसी है माध्यम भोजन योजना कार्यालय में एमटीएस की नियुक्ति हेतु ये आवेदन पत्र भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल डाल दीजिएगा, जो भी पूछा गया इसका फोटो यहाँ पे लगा देना है। मैट्रिक यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया, अगर इसके अलावा अगर आप इंटर पास है तो इंटर का भी डिटेल ला सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैट्रिक पर फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। आपके पास कोई कंप्यूटर नॉलेज है, कोई अनुभव है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, इसके अलावा इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आखिरकार फॉर्म कहाँ फिलअप करके यहाँ पे जमा करना होगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, उसको आप समझ लीजिए। ठीक, बात करने वाले हैं बिहार सुरक्षा प्रहरी वैकेंसी 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चशु प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और आपके लिए ये बेस्ट बुक क्यों हो सकती है, 1900 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं, तो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बुक की और खासियत मैं बताऊँ तो यहाँ पर देखिए जो आपका सिलेबस है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है, बिल्कुल उसी के तरीके से इस बुक को तैयार किया गया है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे मेंशन किया गया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर पूरे डिटेल मेंशन किया गया है। और जब नीचे आएंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह। तो बिल्कुल आप इस बुक को बाय कीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो वैकेंसी है हर डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट का जो एजेंसी है अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट में देखिए पटना के लिए अलग है, MS ज्ञान टेक है। वही हम लोग बात करें नीचे यहाँ पर देखिए भोजपुर के लिए MS जो है कोट बकेट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया गया है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे जो है अलग अलग यहाँ पे एजेंसी मेंशन किया गया है। तो आपको आवेदन कैसे करना होगा, तो देखिए आवेदन करने के लिए जो एजेंसी का नाम दिया गया है उनसे आपको कॉन्टेक्ट करना होगा। कैसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि एक और डिस्ट्रिक्ट हम लोग बात करें जो कि है मधुबनी, तो यहाँ पर देखिए इनका जो एजेंसी है वो है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस, जो कि बहुत ही फेमस एजेंसी है, इसके द्वारा बहुत सारे वैकेंसी निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका नाम गूगल में सर्च करके इनका टोल फ्री नंबर निकाल लेना है, वहाँ पे बात करना होगा कॉल लगाकर, और इनका जहाँ पर ऑफिस होगा वहाँ पर जाकर आपको ये फॉर्म जमा करना होगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर ऐसा थोड़े होता है कि यहाँ पे हम कॉल लगाकर बात करें फिर फॉर्म जमा करें तब हमारा फॉर्म फिलअप होगा, तो जी हाँ इस वैकेंसी में आपको ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा जो कि इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसमें उपाय नहीं देखा जा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वैकेंसी में भाग लेना चाहते हैं उनको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर देख लेना है, इसके बाद एजेंसी का यहाँ पर सामने जो नाम है उसको देखिए, इसके बाद इसका नाम गूगल में सर्च कीजिए, आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में जाइए या
फिर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिया गया होगा, तो आप मोबाइल नंबर पर दो चार बार कॉल लगाएंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा। इसके बाद आप कॉल लगाकर पूछ सकते हैं आपका ऑफिस कहाँ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि उनका काम ही यही है। ठीक है, तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपके मन में डाउट होगा कि सर आखिरकार ये जो फॉर्म है हम कहाँ से डाउनलोड करें, तो आप हमारी साइट dailyjobdekho.com पर विजिट करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी इस नोटिस को डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।